हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं गाटरमान अभिक्रिया। क्या दोस्तों? गाटरमान अभिक्रिया। और गाटरमान अभिक्रिया जो होती है ना दोस्तों, ये एक नेमिंग रिएक्शन होता है और बच्चों को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहां से दोस्तों मोटा मोटी 3-5 क्वेश्चन पूछा जाता है नेमिंग रिएक्शन से। इसलिए नेमिंग रिएक्शन को जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं, बिल्कुल एकदम जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या गाटरमान अभिक्रिया? गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है भैया, इंग्लिश में भी इसको गाटरमान रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन शॉर्टकट लिख देते हैं। चलिए गाटरमान रिएक्शन। सबसे पहली बात तो दोस्तों यहां बात करने वाले हैं कि इस अभिक्रिया का नाम गाटरमान क्यों पड़ा, क्योंकि इस अभिक्रिया का एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया था उसका नाम था गाटरमान। क्या था? गाटरमान। और गाटरमान ने इस अभिक्रिया को कैसे बनाया, क्या इसके दिमाग में आया कि ये गाटरमान अभिक्रिया होगा? तो दोस्तों याद रखना, इन्होंने क्या किया, सेंड मायर अभिक्रिया को, किसको? सेंड मेयर्स रिएक्शन को। ठीक है, यानी सेंड मेयर रिएक्शन को इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने संशोधित किया। क्या किया? संशोधित करके, संशोधित करके इन्होंने सेंड मायर का ही नाम क्या रख दिया दोस्तों, गाटरमान। गाटर मान अभिक्रिया। ठीक है, क्या रखा गया? गाटरमान अभिक्रिया। बस इन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ क्यूप्रस क्लोराइड की जगह इन्होंने कॉपर चूर्ण को डाल करके क्या किया दोस्तों, डाइजोनियम सॉल्ट को एक साथ पुनर्गलित किया। ठीक है, पुनर्गलित किया, बढ़िया से उसको गलाया गया, तब जाके वहां से इसको क्या प्राप्त हुआ, हेलो एरिन्स प्राप्त हुआ। तो गाटरमान अभिक्रिया का मेन पर्पस जो था दोस्तों, इसका क्या था कि इन्होंने क्या बनाना था, हेलो एरिन्स बनाना था। निर्माण इस चीज से, गाटरमान अभिक्रिया से इसको निर्माण क्या करना था, निर्माण दोस्तों करना था हेलो एरिन्स। हेलो हेलो एरिन्स। ठीक है, इसको हेलो एरिन ही बनाना था। उसी में तक झक किया सेंड मेयर रिएक्शन से, और सेंड मेयर रिएक्शन को संशोधित करके उन्होंने उसी रिएक्शन का नाम क्या दे डाला, गाटरमान अभिक्रिया दे डाला। संशोधित कहाँ किया, तो संशोधित कहाँ किया, थोड़ा ध्यान दीजिए, संशोधित किया इन्होंने CuCl जो डाला था उसके जगह पर इन्होंने कॉपर चूर्ण डाल दिया। क्या? कॉपर चूर्ण को डाला गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन रिएक्शन किया किससे, रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट से ही किया। किससे? डायजो नियम सॉल्ट से ही किया। ठीक है, अब बात है कि ये डायजोनियम सॉल्ट क्या है सर? तो डायजोनियम सॉल्ट जो होता है दोस्तों, वो होता है एल्काइल के साथ नाइट्रोजन, फिर सीएल। नाइट्रोजन ईएम लगा, इसलिए यहां पे देखिए ईएम लगा, इसलिए प्लस लगा दिए यहां पे ईएम। यहां डाय है तो टू, आर सॉल्ट आया मतलब यहां एनायन होगा। ये क्या है, एल्काइल ग्रुप में है, पर हमको चाहिए क्या, एराइल में चाहिए ना, मतलब यहां पे हम क्या कर देते हैं, पीएच लगा देते हैं। पीएच मींस फिनाइल, या फिर आप जी लगा दीजिए, या फिर आप एआर लगा दीजिए, वही एरिन्स आएगा, आपका बेंजील रिंग ही आएगा। पीएच N2 प्लस फिर सीएल माइनस। अगर आप इस चीज को देखना चाहोगे तो इस चीज को हम ऐसे देख सकते हैं, CH3 या C2H5 जो भी बोलो, N2 प्लस सीएल माइनस। नाम अगर करेंगे तो क्या होगा, मिथाइल डायजोनियम क्लोराइड। क्या नाम होगा?
मिथाइल डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड, अगर हम यहां पीएच की जगह बेंजीन रिंग ले लूं, चलिए बेंजीन रिंग ले लिया, यहां पे एन टू प्लस सी एल माइनस, ये क्या हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन, ठीक है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब बहुत ऐसे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहां खाली सी एल ही ले सकते हैं, दोस्तों यहां पे आप बी आर भी ले सकते हैं, यहां क्या हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां बात आता है कि सर हम लोग ये चीज कर रहे हैं, यानी गाटरमान अभिक्रिया में केवल क्या किया दोस्तों, क्यूप्रिक क्लोराइड की जगह कॉपर चून यूज किया और कुछ नहीं किया है, बाद बाकी आपका सेंडमेयर रिएक्शन जैसा ही है। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि सर हम लोग जो है यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट जो होता है ना बहुत दमदार, बहुत ही दमदार प्रोडक्ट है ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग कहां पे करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं दोस्तों विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में, क्या करते हैं विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में हम लोग डायजोनियम सॉल्ट का उपयोग करते हैं। तो एक बार क्यों ना डायजोनियम सॉल्ट का निर्माण देख लो, तो डायजोनियम सॉल्ट का निर्माण देखेंगे। ठीक है दोस्तों, डायजोनियम सॉल्ट के निर्माण को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन बात यह है गाटरमान अभिक्रिया का निर्माण हम लोग पहले एक काम करते हैं, हेलो एरिन्स बना के देख लेते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग हेलो एरिन्स बनाने जा रहे हैं। तो भैया आप एक काम करिए, बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ले लीजिए या ब्रोमाइड ले लीजिए, ठीक है ले लिया हमने। अब आप क्या करिए, अगर आपको हेलो एरिन्स में, हेलो एरिन्स में देखो भैया, हेलो एरिन्स में आपका ब्रोमो बेंजीन भी आता है, क्लोरो बेंजीन भी आता है, आयडो बेंजीन भी आता है, फ्लोरो बेंजीन भी आता है, पर हम लोग गाटरमान अभिक्रिया के द्वारा क्या क्या बना सकते हैं, तो दोस्तों गाटरमान अभिक्रिया के द्वारा हम लोग सिर्फ दो चीज को बना सकते हैं। आइए अभी इस चीज को समझेंगे, पहले समझ लेते हैं जी, यहां पे समझ लेते हैं ये रिएक्शन ठीक हो जाएगा। देखिए गाटरमान अभिक्रिया जो होगा दोस्तों, इससे हम लोग दो चीजों का निर्माण कर सकते हैं, एक क्लोरो बेंजीन का, क्लोरो बेंजीन का निर्माण कर सकते हैं, और दूसरा अगर देखो तो ब्रोमो बेंजीन का, ब्रोमो बेंजीन का। आप सिर्फ ये दो ही प्रोडक्ट गाटरमान अभिक्रिया से बना सकते हैं, आप आयडो बेंजीन नहीं बना सकते हैं दोस्तों। आयडो बेंजीन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, के आई के साथ डायजोनियम सॉल्ट को गर्म करना होगा। पर दोस्तों हम लोग जो बात करने वाले हैं, फ्लोरो बेंजीन अगर बनाना हो तो फ्लोरो बेंजीन बनाने के लिए हम लोग दूसरा रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना होगा, और उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बाल्ज सीमान अभिक्रिया। तो अभी हम लोग तुरंत दोस्तों करने वाले हैं इस रिएक्शन के बाद बाल्ज सीमान अभिक्रिया को भी समझेंगे, आप लोग बिंदास रहिए, बस साथ में केवल चलिए। तो डायजोनियम सॉल्ट को आप क्या कर रहे हो दोस्तों, अगर HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हो, HCl के साथ कॉपर चून के प्रेजेंस में, कॉपर चून के प्रेजेंस में अगर भैया इन दोनों को क्या कर रहे हो, रिएक्ट करा रहे हो, गला रहे हो, ठीक है रिएक्ट करा रहे हो, तो ये तो इसके साथ घुला ही होता है। तो याद रखना दोस्तों ये आपको क्या देगा, ये आपको अगर यहां HCl घुला है तो ये क्लोरो बेंजीन देगा, क्या देगा क्लोरो बेंजीन देगा, ठीक है अगर HCl हो, या फिर अगर हम, या फिर अगर देख लो, अगर ये मेरा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है N2 प्लस Cl माइनस, यहां पे अगर आप HBr ले लिए, क्या ले लिए HBr ले लिए, और प्रेजेंस ऑफ Cu यानी कॉपर चून आपने रखा, और ये तो ऑलरेडी आपका घुला रहेगा, तो ये चीज अगर यहां HBr आ जाए तो याद रखना दोस्तों ब्रोमो बेंजीन का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा
ब्रोमो बेंजीन का निर्माण होगा। ठीक है, अब साथ में क्या निकल लेगा, साथ में आप देखोगे तो N2 निकल लेगा और इसमें H, इसमें N2 निकल लिया, फिर जाके Br तो यहां तो HCl निकल लेगा और यहां भी आपका N2 प्लस HCl निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो मेन प्रोडक्ट यानी मेजर प्रोडक्ट की बात करूं तो मेरे को यहां पे अगर HCl के साथ घोलें तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, यहां पे हमको क्लोरोबेंजीन मिलेगा और यदि HBr के साथ रिएक्ट कराऊं प्रेजेंस ऑफ CU तो यहां पे हमको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। लेकिन बात यह है कि सर हम लोगों ने देख रखा है, यहां पे देख रहे कि ये डाइजोनियम सॉल्ट जो है हम लोग कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको प्राइमरी एमीन चाहिए। डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, प्राइमरी एमीन चाहिए। क्या चाहिए भैया, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमाइन, यानी इसको हम लोग हिंदी में अगर कहें तो प्राथमिक एमीन। क्या कहेंगे दोस्तों, प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन जो होता है आर NH2 या फिर यहां पे आप pH लगा दो और NH2, अगर R रहेंगे, R रहेगा तो ये alkyl ग्रुप आ जाएगा, कार्बन चेन आ जाएगा और pH रहेगा तो बेंजीन रिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग। याद रखना ये कितना है, 1 डिग्री। प्राइमरी एमाइन को हम लोग 1 डिग्री एमाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, 1 डिग्री एमाइन, एकदम ध्यान से पढ़िए। ठीक है, लेकिन याद रखिए दोस्तों एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाले हैं, सेकेंडरी एमाइन जो होता है यानी द्वितीयक एमीन जो होता है और टर्सरी एमाइन यानी हिंदी में अगर कहें तो तृतीयक एमाइन, ये दोनों दोस्तों कभी भी याद रखना, इन दोनों से हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बना सकते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट केवल हम लोग प्राइमरी एमाइन से ही बना सकते हैं। तो आइए कैसे बनाते हैं, आप देखिए अगर पीएच की जगह हम बेंजीन ले लूं, चलिए पीएच की जगह हम लोग बेंजीन ले लिया और एनएच टू रख दिए ऊपर, तो ये 1 डिग्री एमाइन हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन को जब आप रिएक्शन कराओगे एच ओ एनओ से या एच एन ओ टू प्लस एच सी एल के साथ अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे, याद रखना दोस्तों ये ठंडे में हम लोग इसका रिएक्शन कराते, किसमें, ठंड में, तो आप यहां पे शीत लिख सकते हो, शीतलन, शीतलन। जब आप इसका रिएक्शन इसके साथ करोगे तो ये आपको क्या देगा, डायजोनियम सॉल्ट देगा। क्या देगा, डायजोनियम सॉल्ट देगा। और इस तरह से आप डायजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं और इस डायजोनियम सॉल्ट से हम लोग क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन गाटरमान अभिक्रिया के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद अब चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद दोस्तों हम लोग बाल्ज सीमान अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।